हाय फ्रेंड्स, राजेश है फ्रॉम technobuzz.net। अगर आप Redmi Note 7 Pro के यूजर हैं देन आपके लिए आज एक अच्छी न्यूज है कि फाइनली जो है मैसिक का 13.3 बिल्ड जो है आपके लिए आज रिलीज हो चुका है, जो कि MIUI 12 के Android 10 के ऊपर बेस्ड है और जिसको आज हमने अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे जो है आप इसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 7 Pro और फाइनली जो है मैसिक का जो बिल्ड है, फर्स्ट बिल्ड जो है Redmi Note 7 Pro की यूजर्स के लिए आज मिल चुका है, थैंक्स टू द डेवलपर्स टेस्ट जिन्होंने इस रोम को जो है Redmi Note 7 Pro के यूजर्स के लिए बनाया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिवाइस मॉडल Redmi Note 7 Pro, Android वर्जन 10 आपको इसके अंदर देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी पैच आपको मिला है वो 1st of May 2020 का इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सारे के सारे फीचर्स जो है आपको इसके अंदर जो है MIUI 12 के ही आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कंट्रोल सेंटर भी आपको MIUI 12 का मिलता है। राइट एंड लेफ्ट साइड स्वाइप स्वाइप करते हैं तो गूगल असिस्टेंट आपके फ़ोन पे लॉन्च हो जाता है। रीसेंट टैब्स आपको कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप फ्लोटिंग विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडोज़ को आप किसी भी तरफ जो है इसको रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इस तरफ पे टैप करते ही वापस अपने स्टेज पे आ जाता है और स्वाइप अप करते ही ये क्लोज हो जाता है। वो वाईफाई कॉलिंग परफेक्टली इसमें काम कर रही है, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 198 जो कि कस्टमर केयर नंबर है। तो ये देखिए, हमने फ़ोन कनेक्ट कर दिया है। आपको यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का आइकन देखने को मिल रहा है और फ़ोन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। डायलर पैड के अंदर आप छोटे मोटे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आप ये टूल्स देख रहे हैं, आप इनको सिंगल रूम में कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। उसके लिए आप सेटिंग्स पे जाइए, एडवांस सेटिंग्स पे जाइए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, टूल्स पैनल इन वन रो। जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे, उसके बाद जो है आपके जो डायलर पैड के जो सभी के सभी आपके जो टूल्स थे वो अब सिंगल रो में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस तरीके का लुक आपको देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि डेवलपर ने जो है इसके अंदर आपको MIUI 12 का लेटेस्ट कैमरा दिया है, जिसमें आपको AI मोड, डायनामिक शॉट्स ये सारे मिलते हैं। मोर में जाएं तो आपको शॉर्ट वीडियो इसके अंदर मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको शॉर्ट वीडियो के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ और ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, जैसे स्लो मोशन, टाइम लैप्स, नाइट साइट, 48 मेगापिक्सल। आप एडिट में करके इनकी पोजीशंस को भी आप यहाँ से इजीली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के आपको ऑप्शन भी यहाँ पे मिलते हैं। आप सेटिंग्स में जाइए, इसकी कस्टमाइज ऑप्शन में जाइए। यहाँ से आप इसके साउंड, कलर्स, कैमरा मोड्स, फीचर लेआउट को आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर्स में आप इसकी जो UI है उसको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे, जो पहले येलो कलर में आपको देखने को मिला था, अब आपको थोड़ा सा अलग सा एक लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है ब्लूश UI के साथ। तो MIUI का कैमरा परफेक्टली इसके अंदर काम कर रहा है, वोल्टी और वो वाईफाई परफेक्टली काम कर रहा है। गैलरी की बात करें तो गैलरी भी आपको जो है लेटेस्ट और अपडेटेड देखने को मिली है, जिसमें फोटोज, एल्बम, मेमोरी से कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। मेनू में जाएं तो आप कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे शॉर्ट, लिस्ट व्यू, ये कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे फ्री अप स्पेस, जिसमें आपको नया UI यहाँ पे अब देखने को मिला है। तो ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ अगर आप मेमोरीज में जाएं तो आपको यहाँ पे वीडियो एडिटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यही नहीं, इसके अंदर आपको सभी लेटेस्ट फिल्टर्स जो है अपने फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एडिट में, ये देखिए आपको फिल्टर्स के अंदर सभी लेटेस्ट फिल्टर मिलते हैं। जैसे लाइम का फिल्टर आपको मिल जाता है इसके अंदर, आपको इसके अंदर साइबर पंक का फिल्टर देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको ब्लैक एंड आइस का भी यहाँ पे फिल्टर देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ जो स्काई मोड होता है उसके अंदर आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही फिल्टर्स आप यहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं। तो गैलरी फुल्ली अपडेटेड है और परफेक्टली इस टाइम पे काम करते हुए आपको यहाँ के अंदर मिल जाती है। ये फर्स्ट बिल है तो छोटे मोटे बग्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो रूम काफ़ी स्मूथ है इस टाइम पे। आप इसको एज ए डेली ड्राइवर इस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। थीम्स में चले तो थीम्स आपको चाइना की देखने को मिलती है, जिसमें चाइनीज लैंग्वेज में आपको थीम्स, वॉलपेपर्स, डायनेमिक वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स, फोन्स, आइकन पैक, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। माई अकाउंट में आप जाएं तो आप थीम कंपोनेंट्स में जाके अपने बूट एनिमेशन, बूट ऑडियो को यहाँ पे चेंज कर पाते हैं। थीम्स लैब में आप जो है वॉलपेपर, स्लाइड शो या ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर, आप इन सब चीज़ों को यहाँ पे देख पाते हैं। राइट साइड को स्वाइप करते ही आपके फ़ोन के ऊपर जो है आपके सामने जो है ऐप पॉल्ट आ जाता है, जिसका लुक आपको कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलता है। कुछ लिमिटेड ऐप्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादा चाइनीज एप्लीकेशंस आपको इस रूम के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। देख पा रहे होंगे आपको चाइनीज क्रैप कोई भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन और गूगल प्ले स्टोर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है।
सभी एप्लीकेशन जो है अपडेट कर दिए गए हैं, जैसे वेदर ऐप आपको अपडेटेड मिला है, इसके अंदर गैलरी अपडेटेड मिली है आपको, कैलकुलेटर की सारी एप्लीकेशन और साथ ही साथ सिक्योरिटी ऐप भी आपको इसके अंदर अपडेटेड ही देखने को मिला है। तो अब चलते हैं सेटिंग्स पैनल के ऊपर और कुछ और चीज़ों को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो सेटिंग्स पैनल का लुक आपको कुछ इस तरीके यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सारे ऑप्शन जो है MIUI 12 के ही मिलते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर जाएं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन के फीचर जरूर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे नए चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिले हैं, जिसमें फ्लो, ग्लो और वेव, ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से आप डिस्प्ले में जाएं तो डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले साइज का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल में आपको सनलाइट मोड मिलता है, आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑन कॉल का ऑप्शन मिलता है, रीडिंग मोड, कलर स्कीम, डार्क मोड मिलता है आपको, सिस्टम फॉन्ट, टेक्स्ट साइज, कुछ सिस्टम एनिमेशंस मिल जाते हैं जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के ऊपर इस पर काम करते हुए आपको मिल जाते हैं। कंट्रोल सेंटर के अंदर जाएं तो छोटे मोटे आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हाइड इनफो टॉगल, यूज न्यू कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिलता है अगर आप उसको डिसेबल कर देते हैं, देन आपको जो है MIUI 11 की क्विक सेटिंग्स पहले यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी तरीके से टॉगल्स के अंदर कुछ छोटे मोटे आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे LTE आइकन चाहिए कि नहीं आपको, बैटरी आइकन स्टाइल कौन सा चाहिए, जैसे बैटरी आइकन स्टाइल जो है यहाँ पे आपको एंड्रॉइड और MIUI को मिलता है वो आपको मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज आपको चाहिए कि नहीं वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, हाइड नॉच और नॉच इन इंडिविजुअल एप्स, ये कुछ ऑप्शंस भी आप यहाँ पे चेकआउट कर पाते हैं। बाकी आपको वही फुल स्क्रीन मोड, ऑटो रोटेट स्क्रीन और स्क्रीनशॉट इन एनी ऐप के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आप चेकआउट कर पाते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन का लुक भी आपको नया ही देखने को मिला है, जिसमें आपको साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि परफेक्टली काम कर रहे हैं, उसमें सचेस कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम के बटन पे आप देख पा रहे होंगे आपको सारे के सारे साउंड पैनल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको होम स्क्रीन के अंदर जो लॉन्चर आपको दिया गया है वो लेटेस्ट लॉन्चर दिया गया है, जिसमें आपको नया UI के साथ ऐप डॉट ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप मैनेज ऐप कैटेगरीज, बैकग्राउंड, स्क्रॉल बार या प्लेस न्यू एप्स ऑन द होम स्क्रीन, ये ऑप्शंस मिलते हैं। उसी तरीके से आप होम स्क्रीन लेआउट आइकन साइज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, होम स्क्रीन लेआउट के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, हाइड ऐप आइकन्स, ग्लोबल आइकन एनिमेशन, ब्लर ऐप प्रीव्यूज, शो मेमोरी स्टेटस और शो सजेशंस मिल जाता है। शो सजेशंस जो है इस काम टाइम पे काम नहीं कर रहा है, मेमोरी स्टेटस जो है जरूर इस टाइम पे काम कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1.8 GB ऑफ 4 GB अवेलेबल इस टाइम पे हमको शो कर रहा है। तो होम स्क्रीन भी जो है फुल्ली आपको यहाँ पे अपडेटेड देखने को मिली है। इसके अंदर आपको कुछ और ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे आइकन टाइटल स्टाइल आपको इन वन लाइन चाहिए, टू लाइन चाहिए, ये रनिंग टाइल चाहिए, कॉलम्स कितने चाहिए आपको फोल्डर में, हाइड लेवल्स, शेडो आपको ऑप्शन रहता है, जैसे आप उसको इनेबल करते हैं अब आपको जो है देख पा रहे होंगे आप सभी आइकन्स पे आपको यहाँ पे शेडोज देखने को मिलते होंगे, तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसको आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल आप इजीली कर पाते हैं। वॉलपेपर में जैसा कि आपको पता है कि Redmi Note 7 Pro को जो है सुपर वॉलपेपर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको नॉर्मल ही वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे। थीम्स में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, पासवर्ड सिक्योरिटी में पासवर्ड फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें सचेस कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिला है। बैटरी एंड परफॉर्मेंस का लुक भी लेटेस्ट है, जिसमें आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड मिल जाता है। ऐप्स के अंदर जाएं तो आपको सिस्टम ऐप सेटिंग्स, मैनेज ऐप्स, ट्यून ऐप्स, परमिशन ऐप्स, ऐप लॉक मिल जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो राइट और लेफ्ट साइड पर जो गूगल असिस्टेंट काम करता है इसको आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैनेज ऐप्स में आप जाएंगे, मेनू पर जाएंगे, डिफॉल्ट ऐप्स पर जाएंगे, सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है असिस्टेंट एंड वॉइस इनपुट, इसमें असिस्टेंट ऐप को जो है आप नन से आप गूगल कर देंगे तो उसके बाद जो है गूगल असिस्टेंट आपकी लेफ्ट हैंड साइड से काम करना शुरू कर देगा, बट आपको उसको एक बार इनेबल करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा कहां से उसको इनेबल करना पड़ता है। तो उसको इनेबल करने के लिए आपने सिंपली एडिशनल सेटिंग्स पर जाना है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले पर जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्वाइप अप फ्रॉम कॉर्नर ऑफ गूगल फॉर गूगल असिस्टेंट, इसको आप इनेबल करेंगे तब जो है यहाँ पे ये काम करना शुरू कर देगा, बट आपको गूगल असिस्टेंट को वहाँ पे भी जाके इनेबल करना पड़ेगा, जहाँ मैंने आपको मैनेज ऐप्स में दिखाया है। अगर आप इस पिल को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, जिससे आप जो रिसेंट टैब्स को यूज़ कर पाते हैं इनको, इसको भी आप अगर रिमूव करना चाहते हैं तो इसको भी आप इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये ऑप्शन है हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर, उसके बाद जो है ये पिल यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये ऑप्शन आपको एडिशनल सेटिंग्स में भी देखने को मिले हैं। उसी तरीके से बटन शॉर्टकट्स में आपको नए पार्शियल स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिला है, आपको गेम टर्बो मोड, वीडियो टूल बॉक्स, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं, यानी कि देखा जाए तो रोम जो है फुल्ली अपडेटेड है, सारे के सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स ही इसके अंदर देखने को मिले हैं। सभी फीचर्स जो MIUI 12 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे वो सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिले हैं, चाहे फ्लोटिंग विंडोज हो, चाहे वीडियो टूल बॉक्स हो, चाहे पार्शियल स्क्रीनशॉट्स हो, या चाहे आपको डार्क मोड देखने को हो, वो सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। स्क्रीन टाइम भी आपको लेटेस्ट मिला है, जिसमें आपको डैशबोर्ड और फोकस मोड के कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर पाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेटिंग्स का हम सारा पैनल आप देख चुके हैं, आप सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं, रोम इस टाइम पे काफ़ी स्मूथ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू क्रैश कर सकते हैं।
जो मैसिक रोम है एक काफी पॉपुलर रोम है अपनी परफॉर्मेंस अपनी स्टेबिलिटी के लिए, काफी सारे फोन्स के लिए आता है, जैसे कि Redmi K20 Pro के लिए आता है, Redmi Note 5 Pro के लिए आता है, और अब जो फर्स्ट टाइम जो है ये Redmi Note 7 Pro के लिए आया है। अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आपको एक zip फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने आपको जैसे कि बताया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि है मैसिक X13.3 जो कि 1.86 GB के आसपास। इसके बाद जो है आप अपने फोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करें। जैसे कि मैंने बताया आपके फोन के अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, चाहे पिच ब्लैक हो, चाहे TWRP हो, चाहे ऑरेंज फॉक्स हो। तो हम अपने फोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करते हैं, तो उसके लिए पहले मैं पावर मेनू को एक्सटेंडेड मेनू के ऑप्शन को इनेबल कर लेता हूं। उसके लिए माई डिवाइस में जाइए, ऑल स्पेक्स पे जाइए, यहां पे जो MIUI का वर्जन है इसको 8 से 9 बार टैप कीजिए। उसके बाद जो है एडिशनल सेटिंग्स में आपको जो है एक डेवलपर ऑप्शन का नया ऑप्शन देखने को मिलता है, ये देख पा रहे होंगे आप डेवलपर ऑप्शंस। यहां से अब जो है आपने इसके अंदर जो है एक्सटेंडेड पावर मेनू को इनेबल कर लीजिए। अब पावर मेनू को आप प्रेस करेंगे तो अब आपको जो है रीबूट में रिकवरी मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो हमने अब अपने फोन को रिकवरी मोड पे बूट कर लिया है। तो मैं अपने फोन के अंदर जो है ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी को यूज कर रहा हूं, तो आप भी जो है ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी को यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कैसे आप ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी को अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये कस्टम रिकवरी है, आपकी जो फोन की जो मी रिकवरी होती है उसके थ्रू जो है आप इस रोम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये देखिए हमारा फोन जो है ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी के ऊपर बूट कर चुका है। वाइप पे जाइए, डाल्वी कैश, कैश सिस्टम डाटा, इन चारों पार्टीशन को सिलेक्ट करके वाइप कर देंगे। जैसे ये सारे वाइप हो जाते हैं आपने बैक जाना है और जो मैसिक का जो रूम है उसको सिलेक्ट करना है और उसको फ्लैश करना है। जैसे ये फ्लैश हो जाएगा उसके बाद आप रीबूट सिस्टम करेंगे, उसके बाद आपका फोन जो है मैसिक की बूट स्क्रीन के साथ बूट करेगा और सेटअप पे जाएगा। आप सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे और इस रोम के सभी फीचर्स इंजॉय कर पाएंगे। अगर रीबूट करने के बाद आपका फोन जो है बार बार रिकवरी मोड पे बूट करता है तो आपको फॉर्मेट डाटा करना है, जिसमें आपको यस लिखना होता है, वाइप डाटा नहीं, फॉर्मेट डाटा, और यस लिख के रीबूट सिस्टम कर देंगे, आपका फोन जो है सक्सेसफुली बूट कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो और आज का ये रोम पसंद आया होगा। आप इस रोम को एज ए डेली ड्राइवर जो है यूज कर सकते हैं, काफी स्टेबल रोम होता है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।